भारत के सुदूर उत्तर में बसा सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपनी भौगोलिक स्थिति एवं कठिन मौसम की वजह से दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में भी जाना जाता है। विगत एक दशक से राष्ट्र ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में न केवल विरोधियों के नापाक इरादों पर काबू पाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है, बल्कि सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति को भी बढ़ावा दिया है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। मनाली और लेह के बीच निर्माणाधीन निमू पदम दारचा रोड पर शिंकुला दर्रे पर 4,800 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची शिंकुला सुरंग के निर्माण की मंजूरी भारत सरकार की सक्रिय पहलों में से एक है। सीमा सड़क संगठन को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4.10 किलोमीटर लंबी शिंकुला सुरंग शिंकुला दर्रे को बाईपास करेगी, जो हर साल 4 से 5 महीनों के लिए 15 से 20 फीट बर्फ से ढका रहता है। ये सुरंग ट्विन ट्यूब होगी तथा इसमें हर 500 मीटर पर क्रॉस पैसेज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सुरंग के निर्माण से 4 किलोमीटर यात्रा की दूरी और 30 मिनट की समय में कमी आएगी। आज शिंकुला टनल का निर्माण कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा प्रथम विस्फोट के साथ शुरू किया जाएगा। अपने रणनीतिक सैन्य महत्व के अलावा यह सुरंग लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। शिंकुला सुरंग का निर्माण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।